सर, आज के परिवेश में पढ़ाई का कितना महत्व है और बच्चों का पढ़ने और पढ़ाने का तरीका है, शिक्षण संस्थानों में काफी बदल चुका है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले देखिए, आज के दौर में पढ़ने और पढ़ाने का तरीका दोनों बदला है। जैसे जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय तरीका दूसरा था और आज तरीका दूसरा है, और जब से नई शिक्षा नीति आई है तब से और ज़्यादा बदलाव पठन पाठन कार्य में हुआ है। अब हम पढ़ाई सिर्फ पास करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, अब हम कौशल विकास के लिए पढ़ते हैं, रोजगार के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, ताकि हम पढ़ें तो हमें रोजगार मिले। एक बात है, कभी तो होली का समय है सर, हर जगह होली का पूरा रंग चढ़ा हुआ है, हर विद्यालय में होली मिलन, होली की तरह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपके यहाँ भी कार्यक्रम हुआ, होली से पहले बच्चों का कार्यक्रम हुआ? हाँ, हमारे यहाँ बच्चों को यहाँ से एक हिदायत दी गई कि कोई भी बच्चा आपस में हुड़दंग नहीं करेगा, कोई भी बच्चा एक दूसरे को गलत तरीके से रंग गुलाल नहीं लगाएगा ताकि कोई परेशानी हो। हम लोगों ने जो विद्यालय जैसे 4 तारीख को बच्चों के लिए बंद किया गया, तो सारे बच्चों को हमारे जो शिक्षक शिक्षिकाएं थे अबीर का टीका लगाकर उनको होली के अवसर पर विदा किया गया, और सख्त हिदायत दी गई कि बस में रास्ते में आपस से उलझे नहीं, एक दूसरे को अबीर लगाएं तो ढंग से, ताकि किसी के आँख वगैरह में ये नहीं पड़े, जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो ख़राब नहीं हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। सर, विद्यालय शिक्षा के लिए ज़्यादा जाना जाए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या दिखावटीपन के लिए ज़्यादा जाना जाए? देखिए, विद्यालय शिक्षा के लिए जाना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लें और पढ़ाई का स्तर नगण्य हो तो फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कोई काम का नहीं है। अब आप सर एक मतलब बहुत छोटे स्कूल से शुरुआत करके आज इस मुकाम पर पहुंचे कि आपके यहाँ से हजारों लाखों बच्चे पढ़कर कहाँ से कहाँ पहुंच गए, और आज के युग में और आज के समय में जिस तरीके से कई कॉरपोरेट घराने से लोग आते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कम समय में बहुत ज़्यादा रिहायशी बिल्डिंगें खड़ा कर देते हैं, वातानुकूलित क्लासरूम या क्या बोलते हैं आने जाने के लिए बच्चों के लिए बसें उपलब्ध कराते हैं, तो इससे शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा या बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो तथाकथित बड़े ब्रांड जो विभिन्न महानगरों में छोटे शहरों में भी अब खुल रहे हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना है, उनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप किसी से ये कहते हैं कि हम एसी क्लासरूम देंगे, एसी बस देंगे, तो आप बच्चे को क्या दे रहे हैं? आप बच्चों को सुविधा भोगी बना रहे हैं। हम जो संभावना विद्यालय प्रबंधन जो है वो बच्चों को परिश्रमी बनाता है। हम कभी भी ये नहीं दावा करते कि हम एसी बस देंगे, एसी क्लासरूम देंगे, ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, नहीं। सुविधा देने से पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, सुविधा और पढ़ाई दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप देखिए, हमारे जिले के ही वशिष्ठ नारायण थे, इतने बड़े गणितज्ञ, उनको कौन सी सुविधा दी गई थी? क्या वो एसी बस में बैठ के स्कूल जाते थे या फिर बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल में जाते थे? गांव के स्कूल से पढ़कर पूरे वर्ल्ड में नाम किए। तो शिक्षा अपने जगह है, सुविधा अपनी जगह है। लेकिन कई शिक्षण संस्थानों द्वारा सुविधा देने की होड़ लगी है कि हमारे यहाँ यह सुविधा है, यह सुविधा है, तो वर्तमान परिवेश में आप शिक्षा कहाँ देखते हैं कि जो स्कूलों में अभी शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है बड़े बड़े स्कूली घरानों में, उसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, जो शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है, मेरा मानना तो ये है कि आप सुविधा 50 तरह का दे दें और आपके पास योग्य शिक्षक नहीं हो, पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो, तो उस सुविधा का कोई मतलब नहीं है। अगर आप एसी क्लासरूम में किसी बच्चे को बैठाते हैं, एसी बस से उसको लाते हैं, हमारे देश की जनसंख्या अगले 5 वर्षों में 150 करोड़ होगी ना। अब इतनी बड़ी जनसंख्या, हमको पानी के लिए लाइन लगना है, गैस के लिए लाइन लगना है, बिजली का बिल जमा करने के लिए लाइन लगना है, रोजगार के लिए लाइन लगना है, सब जगह धूप में हमको खड़ा होना है। अगर हम बच्चे को जो नर्सरी क्लास, 1 क्लास 2 क्लास, 5 क्लास 6 क्लास 10th क्लास के बच्चे हैं, उनको हम एसी बस में बैठा कर स्कूल ले जाते हैं, फिर एसी क्लासरूम में पढ़ाते हैं, फिर वो घर आता है एसी बस से, फिर वो एसी कमरे में रहता है,
हम क्या पैदा करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो जनरेशन आने वाला पीढ़ी है, मैं अभी एक आपसे कंपेयर कर देता हूँ बात का, कि चीन वगैरह यदि जापान है उन देशों में तो बच्चों को स्कूल में झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, यदि वो खाना खाते हैं तो उसकी वीडियो फोटो दिखलाना है कि आप खाना खाते हो कि नहीं खाते हो। लेकिन इस क्योंकि वो बच्चों को मेंटली और फिजिकली दोनों टफ बनाते हैं तो वो बच्चे ज़्यादा आगे बढ़ पाते हैं इस स्थिति में। जिस तरीके से आपने कहा कि आपके यहाँ हर चीज़ के लिए लाइन लगना है, सड़कों पर खड़ा रहना, यदि आप सिविल सर्विस ज्वाइन करते हैं तो आपको 24/7 चौकन्ना रहना है, तो सुविधा वो भी ज़्यादा बन जाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट काफ़ी होगा, बहुत साइड इफेक्ट होगा। वो आप एक ऐसा नागरिक पैदा करेंगे जो सुविधा भोगी होगा, वो घर से बाहर नहीं निकलेगा, वो किसी काम का आदमी नहीं होगा। हम लोग जो काम करते हैं, हमारे स्कूल में आप जानते हैं एनसीसी है, एनसीसी के माध्यम से कम साल में 100 बच्चों को हम लोग सेना के लिए ट्रेंड करते हैं, सेना के लिए तैयार करते हैं, बाकी और सारी गतिविधियों के माध्यम से। हमारे स्कूल में आप देखेंगे हम लोग धूप में प्रार्थना करवाते हैं, जमीन पर बैठ के बच्चे कार्यक्रम देखते हैं, कोई ऐसी नहीं। हाँ, जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए जैसे स्कूल में टॉयलेट हो, साफ सुथरा हो, पंखा हो, गर्मी बच्चों को नहीं लगे, पानी की व्यवस्था हो, ये बेसिक चीजें ठीक हैं। लेकिन अब एसी और ये सब चीजें बच्चों के लिए ठीक नहीं है। सर, नया सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में तमाम तरीके से हर स्कूल अपने अपने प्रचार में लगे हैं, आप सर क्या छात्र छात्राओं को नया योजना देंगे या किस तरह से इस नए सत्र में बच्चों के लिए आपके स्कूल के द्वारा? देखिए, संभावना विद्यालय प्रबंधन को किसी प्रचार की जरूरत नहीं है। ये 27 साल का स्कूल हुआ, 2500 के लगभग बच्चे ऑलरेडी यहाँ पढ़ रहे हैं, तो अब तो हमारे स्कूल में दूसरी पीढ़ी के बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे हमारे स्कूल के जो पास आउट बच्चे हैं उनके बच्चे अब हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं और काफी संख्या में आते हैं। हमारे यहाँ अभी तक जैसे 500 के लगभग फॉर्म बिक चुके हैं और लगभग 300 के लगभग बच्चे टेस्ट में भी बैठ चुके हैं और 250 के लगभग लगभग एडमिशन भी, बच्चों का नया एडमिशन हो चुका है। अब मुश्किल से मेरे पास और 100-50 बच्चों का एडमिशन लेना है, तो बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है। संभावना अपने आप में एक ब्रांड है और इसको बहुत ज़्यादा प्रचार की जरूरत नहीं है। हाँ, वैसा ब्रांड नहीं है, हम लोग बच्चों को मेहनती बनाते हैं, परिश्रमी बनाते हैं, हम सुविधा भोगी नहीं बनाते हैं। जाते जाते सर, होली के अवसर पर अपने छात्र छात्राओं, अभिभावकों, शिक्षकों को क्या संदेश देंगे? होली के अवसर पर मैं विद्यालय प्रबंधन की ओर से, अपनी ओर से सभी छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को, संपूर्ण भोजपुर वासियों को शुभकामना दे रहा हूं और ये अपील कर रहा हूं कि हम होली मनाएं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। हमारे होली मनाने से किसी को ठेस नहीं पहुंचे और किसी को क्षति नहीं पहुंचे, इसका ध्यान हम सभी लोगों को रखना होगा।